नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों पे हम बातचीत कर रहे थे, उसमें आज हम रेलगाड़ी के से संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछले सेशन में बात भी किया था, तो आज आगे के सवाल लेते हैं। तो सवाल आज का जो पहला है वो है, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन, ठीक है, इसकी लंबाई इन्होंने बताई है 120 मीटर। इन्होंने इसकी लंबाई नहीं बताई, सॉरी, ये हम मान लेते हैं एक्स मीटर लंबी है। और एक कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई बता रहे हैं 120 मीटर, ठीक है। तो इनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को इस रेलगाड़ी के द्वारा क्रॉस करने में टाइम जो लगता है वो है 12 सेकेंड। और सेम रेलगाड़ी अगर एक खम्भे को क्रॉस करती है, खम्भा है ये मान लीजिए, तो इसको क्रॉस करने में उन्होंने बताया कि 2 × 2/5, ठीक है, ये टाइम लगता है T2, ये T1 है, T2 ये सेकेंड लगता है। तो ये पूछना चाहते हैं कि स्पीड क्या है। इसमें दोस्तों एक तो एक ही सवाल में इन्होंने दो सवाल पूछ लिया है आपसे, तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। पहली चीज़ तो आपको ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, दूसरी चीज़ इसमें जो इन्होंने स्पीड पूछा है वो, तो पहला तो जो T2 बराबर है वो है 2 × 2/5, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 12/5, ये सेकेंड इसका टाइम हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ट्रेन की लंबाई एक्स मीटर मान लीजिए और एक खंभे को क्रॉस करती है, तो एक्स बटे 12/5 क्या होगी, हमने दूरी बटा समय किया है, ये समय हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकला आपके, चाल, चाल एक वो निकल आया और दूसरी, दो चाल होगी हमारे पास। दूसरी दूरी क्या है, 120 मीटर, जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था, 120 मीटर प्लस एक्स, जब कोई प्लेटफॉर्म या लंबी चीज़ क्रॉस करनी होती है तो दूरी जुड़ जाएगी, और बटे टाइम क्या है, 12 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है आपस में, और ये इसको आप वो हल करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5x हो जाएगा बटे 12, और ये किसके बराबर है, दोनों स्पीड जो है बराबर है, तो इसको और इससे आप बराबर कर सकते 12, ठीक है, ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक। तो 5x और ये x का इधर सीधा पक्षांतर कर दीजिए, 4x बराबर हो जाएगा आपका 120, तो x बराबर हो गई 120/4, ये मतलब 3, 30, यानी जो आपकी लंबाई है ट्रेन की वो हो गई 30 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल जो है, आप किसी भी फार्मूले में रख लीजिए, तो चाल अगर आप तो 30, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर यहाँ से आप देखिए 5x/12, ये 5 × 30/12, ठीक। इसको अगर आप हल कर लीजिए तो ये आएगा 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, ये 25/2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए, वो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सवाल है, स्पीड इन्होंने दे दिया है 62 km प्रति आवर, ठीक है, ये आप देख लीजिए दोस्तों, शायद नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, हाँ ये इस तरह से, ठीक है। और अब जो है स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से भागी,
हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि स्पीड इन्होंने दिया हुआ है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का लेंथ जो इन्होंने दिया है वो है 120 मीटर, ठीक है। और इनका ये कहना है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में ये हो गई ट्रेन आपकी, और एक आदमी भी इसी दिशा में, मैन, ये भी भाग रहा है। इसकी स्पीड है 8 km/h, और इसकी स्पीड क्या है, 62 km/h, ठीक है। तो 120 मीटर लंबी जो ट्रेन है ये, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, ये देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये सारे सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा इसमें फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो कैसे करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको, अब देखिए दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 62 - 8, ये हो गया 54, 12 में से 8 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई, तो इसको भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 54 किलोमीटर को 1000/3600, ये आपका 2 0 कट जाएगा, 5/18 हो जाएगा, ये 18 * 3 = 54, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। दूरी क्या दी हुई है, 120 मीटर। तो जो आपको टाइम लगना है, दूरी बटे 4, तो दूरी है आपकी 120/15, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये हो जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 8 सेकेंड। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सवाल ना समझ में आए, कोई अलग से आपको चाहिए सवाल, तो उसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के और ढेर सारे वीडियोज़ मैं आपको लेते आऊँगा, और आपकी डिमांड के अनुसार भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।